नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चमोली स्वागत करता हूं आपका फार्मिंग आइडियाज़ में। दोस्तों, जैसे मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेडिसिनल प्लांट के बारे में मैंने बताया था, तो आज मैं आपको नींबू घास के बारे में बताऊंगा। नींबू घास होती क्या है और नींबू घास के फ़ायदे क्या हैं और नींबू घास कहाँ कहाँ उग सकती है और इससे हमारे शरीर में क्या बेनिफिट्स, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो देखिए, मेरे पीछे आप जहाँ तक नज़र जारी होगी आपको नींबू घास दिख रही होगी, तो इसके बारे में बताऊंगा। ये दोस्तों, जैसे मैं आपको नींबू घास का ये तना दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा जरा तना दिखाएं, तना दिखाएं इसका। इसका तना देखिए बंच, इस तरह से बंच होता है, एक बंच में उखाड़ रहा हूं इसका। ये देखिए, ये नींबू घास है, इसको लोकल भाषा में नींबू घास बोला जाता है। उसका पत्ता अगर हम थोड़ा सा हाथ में पकड़ेंगे तो उससे अच्छी एक एसेंस आता है। इस एसेंस को ही सिट्रल बोला जाता है, जो इसके अंदर 70% पाया जाता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जितने मेरे व्यूअर हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट व एंटी फंगल होता है। अगर इसकी चाय का सेवन नियमित इस्तेमाल से डायबिटीज़, मोटापा, पेट की बीमारियाँ, नींद की समस्या और सांस संबंधित बीमारियों में राहत देता है। ये पौधा नहीं, एक अमृत कुंज की तरह है। अगर इसका सेवन हम नियमित सुबह के टाइम चाय के रूप में करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लोग अब तुलसी की जगह, जैसे तुलसी की चाय पीते थे, अब लेमन ग्रास का भी सेवन इसमें चाय के रूप में कर रहे हैं। और ये एरोमेटिक प्लांट होने के कारण ये खुशबू से भरपूर है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो इसका तेल निकलता है, इसको खुशबू के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपना साबुन, फिनाइल या मोर्टीन, मच्छर भगाने इत्यादि सौंदर्य प्रसाद जितने भी बनते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं भी खेतों में चल रहा हूँ, मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखा रहा हूँ। अभी बरसात का मौसम है और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और एक गुड़िया अभी खेतों में घूम रही है, मैं इसको पूछता हूँ क्या ये चाय का सेवन इन्होंने कभी किया है इसका। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? ज्योति। क्या आपने कभी लेमन ग्रास की चाय पी है? हाँ। कैसी लगती है इसकी चाय? अच्छी लगती है। अच्छा, कब पीते हो इसकी चाय? सुबह सुबह। अच्छा, कौन कौन पीता चाय? सभी लोग या अपना आप पीते हो? सब लोग पीते। अच्छा, कुछ इसके फायदे? इसकी चाय पीने से ताजगी महसूस होती है। ये छोटी ने कहा कि इसकी चाय पीने से ताजगी होती है, तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि ये इसका सेवन जरूर करें और इसका पौधा घर में जरूर लगाएं। घर में लगाने से क्या होगा इसका पौधा, कि आपको ये बाज़ार से परचेज नहीं करना पड़ेगा और आप इसका खुद ही घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले के रूप में इसको लगा सकते हैं। अभी दोस्तों, लेमन ग्रास मार्केट में आप देख रहे होंगे 100 ग्राम, 200 ग्राम की पैकिंग में आता है। 100 ग्राम की जो इसका प्राइस होता है वो मेरे ख्याल से 200 से 150 के बीच में होता है, जो बहुत ही महंगी है, क्योंकि कंपनी का उसमें अपना पैकिंग होता है, मार्केटिंग होता है। तो मैं तो अपने सभी दर्शकों को चाहूँगा कि आप जिसको लेमन ग्रास की आवश्यकता है मेरे से संपर्क करें और इसको घर में जरूर लगाएं गमले के रूप में। वो गमले में लगाकर इसका, जैसे ये आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत ही अच्छी तरह से उगता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये इसकी जिसके कल्ले हैं, मैं कल्ले दिखाना चाहूँगा लेमन ग्रास के, जिसके कल्ले होते हैं इसको उखाड़ा जाता है। ये पौधा देख रहे होंगे आप, इसको उखाड़ के इसको गाड़ दो ज़मीन पर। इसको ज़मीन में गाड़ने से क्या होता है, ये अपनी नई जड़ पकड़ लेता है और 6 महीने 1 साल में ये पूरा बंच बन जाए। आप जिस तरह से बंच देख रहे होंगे, भी पूरा बंच बन जाता है। और इसके बंच बनते ही आप इसकी पत्तियां इस तरह से तोड़ सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्तियां तोड़ी और इन पत्तियों के आधा आधा इंच के टुकड़े किए। आधा आधा इंच के टुकड़े करने के बाद इसको आप जैसे 2 कप चाय या 1 कप चाय बनाना चाहते हो तो एक पत्ता तोड़ा, इसके 1-1 इंच के टुकड़े किए और चाय में इसको डाल दिया और इसको खूब बॉईल किया
और इसमें ज़्यादा नहीं, अगर आप एक काली मिर्च और हल्का सा अदरक डालते हो तो उसका स्वाद आप देखना। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद मेरे कमेंट्स ज़रूर करना कि कैसा इसका स्वाद लगा। और जिस भी दर्शक को इसका पौधा चाहिए तो मेरे संपर्क करें, मैं आपको यहाँ से निःशुल्क इस पौधे को प्रदान करूँगा, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का फार्म हाउस है। और जो नेट ग्रीन नेट आपको दिख रहा है इसके अंदर मेरी इसमें कलम तैयार है, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा ये भी। दोस्तों अभी हम ग्रीन नेट की ओर चलते हैं। अभी ये ग्रीन नेट आप देख रहे होंगे अभी लगा हुआ है, तो मैं अभी दिखाना चाहूँगा। इसमें हमने पौधे रखे थे, पौधे भी प्लांटेशन हुआ है, प्लांट लगने के बाद अभी खाली है, इसमें दोबारा पौधा आप ग्रोथ करेंगे। आप ना इतना बड़ा बंच होता है इसका, तो इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा उखाड़ना है, उखाड़ के जड़ से उखाड़ के इसकी ये पुरानी पत्तियाँ हटाकर इसको गमले में लगा देना है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सारे मित्रों को। और इसकी कटिंग ऊपर से इतने पत्ते काट देने हैं, क्योंकि ये क्या है कि पुराने पत्ते ये जल्दी से हट जाएंगे, तो इसमें खरपतवार कम होती है। ये पत्ते हटा के आपने ये लगाना है गमले के अंदर, और गमले के अंदर लगाने के बाद आपको ये पौधा, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, 15 या 1 महीने बाद जड़ पकड़ लेगा जैसे ही, तो इसमें कल्ले निकलना चालू हो जाएंगे साइड साइड से। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये साइड से कल्ले निकलने चालू हो जाएंगे, तो आपका गमले का जो साइज होगा 1 फुट का आधा फुट का तो काफ़ी भर जाएगा। तो इस पौधे से क्या फ़ायदा होगा कि लेमन ग्रास आपको आपके घर में ही पीने को मिलेगा, जैसे मार्केट के इतने महंगे महंगे लेमन ग्रास से आपको नहीं मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके से लाइक सब्सक्राइब से हमें और प्रेरणा मिलती है और हम और आगे इन चीज़ों के बारे में आपको और अच्छी तरह से बता सकें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।